नमस्कार, बस कैसे हाल चाल हरिराम ठीक जी आपके। है सर। बस ठीक है सर। ठीक है ठीक जी हरिराम जी, क्या चल रहा है? है नया सर। आप ताजा? सुनाए कैसे। जी जी बहुत ही सर। बढ़िया, बहुत ही शानदार, बहुत हेलो गुड बढ़िया। मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग मिस्टर कुमार, क्या हाल है आपके? मिस्टर कुमार, गुड मॉर्निंग। चौधरी साहब नमस्कार। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मिस्टर कुमार, क्या हाल है आपके? फाइन सर। जी, और बताइए क्या नया चल रहा है, क्या ताजा चल रहा है? नहीं सर, आज थोड़ा जल्दी सुबह जाग गया था। मैंने 2-3 दिन अरे से वाह, मिस क्या कर बात जा है, रहा बहुत था। बढ़िया। आज कितने बजे कितने जग गया बजे था, 7:30 मॉर्निंग वॉक करके आ गया हूँ। अरे वाह, बहुत बढ़िया किया, बहुत शानदार काम किया, बहुत अच्छा किया। गुड, कैसा लगा आपको मॉर्निंग वॉक करके? बहुत अच्छा लगा सर। अच्छा, चलो अच्छी बात है, रोजाना करेंगे तो और ज्यादा अच्छा लगेगा। यस यस और सर, इधर डिसकंटिन्यूटी था लास्ट 1 मंथ हाँ, वो एक्चुअली क्या होता है कि कोई रीजन होता है तो हम सब लोग कर लेते हैं, रीजन नहीं होता है तो हम कुछ नहीं करते हैं। तो कुछ रीजन नहीं पे डिपेंडेंट करता है कि करता हमारा कोई भी काम करने का जो रीजन है वो कितना स्ट्रांग है, यस सर, सारा का सारा उस बात पे निर्भर करता है, उस राइट बात पे राइट डिपेंड करता है। तो राइट अच्छी सर, बात है, दैट्स वेरी गुड कि आप करके आए हैं, ये हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, इसके बिना गुजारा नहीं है। यस बढ़िया। और इसके अलावा और क्या क्या चल रहा है? सर, कल मैं गया था फील्ड पे, हाँ ज्यादा नहीं, 3 लोगों से मिला था। क्लोजर तो जी, नहीं हुआ था एक भी, कोई बात नहीं, लेकिन आज चांसेस है क्लोज हो जाएगा 2। बढ़िया। उन लोगों ने क्या क्या बोला जिनका क्लोजर नहीं हुआ, तो उनका कहाँ पर रुकावट आई, कहाँ पर दिक्कत आई, कहाँ पर क्या बोला उन्होंने, ऐसा क्या, किस वजह से हमको छोड़ना पड़ा उन लोगों पैसे, कैश, पैसा, कैश, को? कैश का क्या, पैसे नहीं है, सैलरी आएगा तो पैसे नहीं है? अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पैसे नहीं है तो उसके बाद फिर नहीं, आपने क्या किया कि आपने मतलब उनको छोड़ा, फिर आप वहां से निकल गए? वो दे देंगे, आज चेक दे देंगे, सैलरी आएगी ना उसके नहीं, मैंने पीटीसी मान की। लिया, एक्चुअली क्या है, दे तो देंगे, लेकिन क्या है कि आपका एक एक्स्ट्रा विजिट बन रहा है। ये प्रॉब्लम ये नहीं है कि आज दे देंगे, प्रॉब्लम ये है कि यदि हमारे पास मान लीजिए ऐसा कोई सोल्यूशन कल रहता कि हम उनको कल के लिए बोल सकते, तो हमारा ये विजिट जो है, आज का जो एक्स्ट्रा विजिट है, वो हमारा आज का एक्स्ट्रा विजिट करने की जरूरत नहीं पड़ती। राइट राइट सर, लेकिन वो प्रेशर बनाने पे फिर सोचते हैं क्या, वो थोड़ा सा क्लोजर होने के चांस, फिर सीधे मना कर देते सर, देते हैं ना कस्टमर कि दे यार पैसे नहीं, इसलिए तो मैं बोल रहा था एक्चुअली पैसे। आपकी बात ठीक है, आप सही कह रहे हैं, हमें प्रेशर नहीं बनाना है, हमें ऐसा कुछ सिस्टम करना है कि वो उसको लगे कि हाँ अभी करना जरूरी है। जैसे फॉर एग्जांपल मॉर्निंग वॉक है, मॉर्निंग वॉक के अंदर क्या है, हमने मॉर्निंग वॉक उस दिन किया जब हमको लगा कि मॉर्निंग वॉक जरूरी है, जब तक करना हमको चाहिए, जरूरी हमने नहीं लगा हमने नहीं किया, ठीक है नहीं ना। किया, तो इसी राइट, तरीके अब से तो ये वाला जो टेंडेंसी होता है ये सभी का होता है, ये टेंडेंसी एक हमारा अकेले का नहीं है, ये टेंडेंसी हर एक का होता है। तो कस्टमर को क्या लगता है, अभी समझो कि उसको मान लीजिए कोई अर्जेंसी में उसने कुछ ऐसा कोई क्लेम वगैरह का ऐसा कोई इंसिडेंस उसने देखा है, अचानक उसको अर्जेंसी महसूस हो जाता है ना। प्रॉब्लम क्या है कि अर्जेंसी महसूस कराना हमारा काम है, यदि हम उसको अर्जेंसी महसूस करा सकते हैं तो हमारा काम, हमारा स्किल है, अर्जेंसी महसूस कराना हमारा ड्यूटी, यस हमें उसको महसूस कराना पड़ेगा। यदि हमने यस किसी भी तरीके से उसको बता दिया भाई देखो पैसा नहीं है, ठीक है ना, कल चेक देंगे, तो अपन को क्या बोलना है? आपने उनका एग्जैक्ट डायलॉग क्या था, यही वाला डायलॉग था क्या? हेलो हेलो, उनका एग्जैक्ट डायलॉग क्या था जो पैसा नहीं देने की वजह से उनका एग्जैक्ट जो डायलॉग था वो क्या था? उन्होंने ये नहीं मना नहीं किया, उन्होंने बोला कि अमाउंट क्रेडिट हो जाने दो, उसके बाद हम चेक इशू कर देंगे। अकाउंट किस चीज में क्रेडिट होना है? सैलरी सैलरी हाँ जी, सैलरी सर, सैलरी अच्छा सैलरी से क्रेडिट होना है, तो क्या हम आगे की डेट का चेक ले सकते हैं? हेलो, यदि हम आगे की डेट का चेक ले लेंगे तो कैसा रहेगा, पॉसिबल है आगे की डेट का यदि हम चेक ले लें तो क्या वो पॉसिबल रहेगा?
ऐसे आदमी को हम बोल सकते हैं कि सर आप आगे की डेट का चेक दे दीजिए, आप एक दिन बाद का, दो दिन बाद का, तीन दिन बाद का, मतलब जितने भी दिन बाद का वो तैयार हो जाए उतने दिन बाद का यदि हम उसको चेक लेने के लिए बोलें तो क्या ऐसा आदमी तैयार हो सकता है? एक मिनट सर, हेलो, हाँ हाँ बताएं। आवाज आ रही, नहीं आवाज बीच में चला गया था, आ रही है सर? हाँ आवाज आ रही है बिल्कुल, मुझे बिल्कुल परफेक्ट आ रही है और मुझे पूरा यकीन है कि बाकी सबको भी आवाज बहुत ही शानदार आ रही होगी। मेरे पास वीडियो भी बढ़िया आ रहा है, मेरे पास आवाज भी बढ़िया आ रही है, मैंने मोबाइल डाटा के थ्रू एयरटेल 4G मोबाइल डाटा के थ्रू कनेक्ट कर रखा है। बाकी जब नमस्ते बोलिएगा जी। यस यस, नमस्ते बोल दीजिएगा। ठीक ठीक है सर, वो बाथरूम की तरफ। चलो ठीक है, अच्छी बात है, बढ़िया। यस यस, हाँ वो ठीक है, और उनको बोलिएगा साथ में, वो भी मॉर्निंग वॉक पे जाएंगे तो हेल्थ जो है बढ़िया रहेगा, सभी का रहेगा। नहीं, सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाना बहुत ही खतरनाक काम है। हाँ, अभी रूटीन सब मुश्किल काम होता है। नहीं नहीं, हम लोग जाते थे लेकिन रूटीन अभी लास्ट 2-3 मंथ से सब रूटीन बेकार हो गया है, कोई कोई फॉलो नहीं कर रहा है। कोई सर्दी है ना? सर्दी नहीं नहीं, सर्दी के पहले है, सर्दी है, सर्दी के पहले है, लेट नाइट सोना। अच्छा। सुबह 10 बजे 9 बजे उठना। अच्छा। सब मतलब मिसमैनेजमेंट हो गया है। कोई बात नहीं, जब हमारे पास कोई कारण नहीं होता है तो ये सब होता है। मैं सुबह 5:50 पे उठा और उसके बाद मैं मॉर्निंग वॉक पे निकला तो उस समय थोड़ा थोड़ा अंधेरा सा था और इतने बड़े पार्क के अंदर वहां पर सिर्फ 3 लोग अवेलेबल थे। So, ये सब होता है जब हमारे पास कोई रीजन अवेलेबल नहीं होता है, किसी काम को करने का कोई रीजन होता है तो हम उस काम को कर लेते हैं। जब हमारे पास कोई काम करने का कोई रीजन नहीं होता है तो वो काम ऑटोमेटिकली लेट होता चला जाता है। राइट राइट सर, नहीं नहीं, लेकिन अब इसी तरीके से अगले 7-8 दिन में रूटीन पे ले आना, 7 बजे तक ले जाना इसको धीरे धीरे करके, फिर 5 बजे 6 बजे तो बढ़िया। तो ये क्या होता है कि कस्टमर लोग भी एग्जैक्टली सेम काम करते हैं, वो भी क्या करते हैं कि जब उनके पास इंश्योरेंस कराने का कोई रीजन नहीं होता है, कोई बड़ा कोई वजह नहीं होता है बीमा कराने का, तो वो बीमा तुरंत नहीं कराते हैं। उनको क्या लगता है कि बीमा कराना ना बहुत छोटा सा काम है, बहुत ऑर्डिनरी सा काम है, बहुत साधारण सा काम है, तो मामूली सा काम है, तो ये मामूली से काम के अंदर छोड़ो ना, लेट करो। एब्सोल्युटली, ऐसे नहीं कि पैसे की दिक्कत है, लेकिन हाँ उन्होंने, उनको लगा कि प्रायोरिटी उनके लिए ये नहीं थी और हमने शायद 100% अपना एफर्ट इस तरह से नहीं डाल पाया कि प्रायोरिटी या नीड जनरेट कर सके। ओके, तो हम लोग ऐसा क्या करें इस तरीके का कस्टमर को, हम और ऐसा क्या बोलें कि उसको अर्जेंसी लगे, उसको लगे कि नहीं अरे इंश्योरेंस कराना तो बहुत जरूरी काम है, इंश्योरेंस कराने के बगैर तो गुजारा चलेगा नहीं। हम ऐसा क्या कर सकते हैं, क्या हम ऐसा कुछ कर सकते हैं सर? सब मैंने तो अपने जो हमारी नॉलेज है, जो हमारी लिमिट है, वो तो लिमिट क्रॉस करके मैंने बहुत लगभग 2x-3x ऑलरेडी एफर्ट कर चुके हैं, लेकिन उस एफर्ट में यही होता है कि उस मतलब टेम्पररी वो थोड़ा सा इम्पैक्टेड हो जाते हैं हमारी बात से, एग्री हो जाते हैं, लेकिन वो कहावत है ना, आफ्टर 5 to 10 minutes, 20 minutes फिर वापस वहीं पे आ जाते हैं चौधरी जी वाली बात पे। आपकी सारी बातें मानते हैं लेकिन यार पैसे नहीं है यार, पॉलिसी अभी नहीं करानी, वो वाली बात फंस जाती है। आपकी बात ठीक है, क्या ऐसे आदमी से हम लोग टोकन मनी ले सकते हैं? हम उसको टोकन मनी के लिए बोल सकते हैं कि सर आप ऐसा करिए, कुछ ना कुछ टोकन मनी भर लीजिए, ऐसा कुछ बोल सकते हैं? बोलने को बोल सकते हैं, लेकिन मैंने कभी कभी टोकन मनी मांगता नहीं क्योंकि मैं सोचता हूँ कि अगर वो चाहे तो हम में मैरिट नहीं था, हमने उसे नहीं क्लोज कर पाया। टोकन मनी मांगने में से थोड़ा सा मेरे को पर्सनल एक्सपीरियंस है कि कस्टमर सोचता है कि मेरे को बाउंडिंग कर रहा है, तो मैं उसे इस चीज के लिए फ्रीडम देना चाहता हूँ कि बाउंडिंग नहीं हो। अगर मैं अगर कन्विंस कर सका, आप 100% मेरी बात से कन्विंस हो तो आप मेरे साथ हो, नहीं हो तो आपका डिसीजन तो फाइनल डिसीजन है ही। आपको पता है मकान खरीदने के लिए लोग टोकन मनी देते हैं, कार खरीदने के लिए लोग टोकन मनी देते हैं। आपको पता है लोग बड़ी बड़ी चीजें जितनी भी खरीदते हैं कि उसके लिए पहले टोकन मनी देते हैं। आपको फ्रिज खरीदना है, आप दुकान पे जाके फुल पेमेंट नहीं करते हो, आप दुकानदार को बोलते हो भाई थोड़ा पैसा अभी ले लो, बाकी का पैसा डिलीवरी के बाद देंगे। आप फर्नीचर खरीदते हो, फर्नीचर के अंदर भी ऐसा ही होता है, स्टार्टिंग में थोड़ा सा पैसा दे दो। राइट, वहाँ पे सिनेरियो डिफरेंस होता है, वहाँ पे कस्टमर चल के जाता है शॉप सेलर के पास, और यहाँ पे सिनेरियो डिफरेंस है, यहाँ पे हम चल के जा रहे हैं उनके पास, उन्हें लगता है कि हमारा क्या बेनिफिट है। जो मेरी पर्सनल, मे बी आई एम रॉन्ग, उनकी पर्सनल थॉट होता है कि इसका बेनिफिट है, जो मेरे को फील होता है। बाकी हो सकता है कि मैं गलत हूँ, हो सकता है कि उसके कुछ और फील रहा होगा। वहाँ पे क्या होता है, उसका खुद का इंटरेस्ट होता है, खुद चल के जाता है,
उसकी कंडीशन पे सेलर के इंटरेस्ट पे बेचता है, तो वो खुद टोकन मनी भी देता है, टाइम बाउंडिंग में पेमेंट भी करता है, सारे चीज फुलफिल करता है अकॉर्डिंग टू सेलर। और यहाँ पे क्या होता है, अगर टोकन मनी दे भी दिया, फिर ऐसा करो ना तुम मिला के पॉलिसी कर दो, बाकी पैसे ले लेना। लेकिन हमारा प्रीवियस एक्सपीरियंस भी ये नहीं करूँ बहुत ज्यादा, एक दो कस्टमरों के साथ ऐसा रहा है कि हमने बिलीव करके कर दिया है तो उन्होंने 6-6 महीने पैसे देने में लगा दिए। इसका मतलब ये है कि स्टार्टिंग के अंदर कस्टमर को इतना ज्यादा जो है इम्पोर्टेंस इंश्योरेंस का हम लोग यदि जगा पाएंगे तो इसका मतलब वो करेगा, इसका मतलब हमको इंश्योरेंस का इम्पोर्टेंस जगाने का जरूरत है। यस यस यस, जगाने के भी लोग साइकोलॉजिकली है ना, एक गाड़ी का इंश्योरेंस करा लेते हैं वो। अभी मैं जिस कस्टमर की बात कर रहा हूँ, उसने मेरे सामने 40,000 का प्रीमियम दिया कार का। मैंने बोला भी सर एक कार आपसे है, आपसे कार मतलब आप हैं तो एक कार है, ऐसा नहीं कि कार है तो आप हैं, ऐसा नहीं है। आप रहेंगे तभी कार है, आप नहीं रहेंगे तो कार नहीं रहेगा। आपकी इंश्योरेंस कुछ भी नहीं है और कार की इंश्योरेंस आप करा रहे हो 15 लाख की। जी जी जी, बढ़िया। लेकिन नहीं हुआ पर क्लोज, 11 तारीख पे चला गया, बताना पड़ेगा। हाँ 11 तारीख में चला गया, फिर बात कोई दिक्कत ठीक है, कोई बात नहीं। ऐसे आदमी को ये वाला स्टोरी बताना पड़ेगा, वो मुर्गी और वो अंडे वाला स्टोरी ऐसे आदमी को बताना पड़ेगा। इस तरीके के लोग जब इस तरीके से अटकाते हैं तो उनको मुर्गी और अंडे वाला स्टोरी बताना पड़ता है। आपने मुर्गी और अंडे वाला स्टोरी सुना हुआ है या तो मैं बताऊं? सर मैंने सुना तो है लेकिन आप बता दीजिए, मेरे को माइंड में नहीं है अभी, मैंने सुना है, आप ही ने बताया था। जी तो यदि आपको पता है तो ठीक है, अदरवाइज यदि आप चाहते हैं तो मैं दोबारा से बताऊं। तो मुर्गी और अंडे वाला जो स्टोरी है वो दोबारा बता देता हूं, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आईओई का जो बेसिक कोर्स आता है उसके अंदर ये मुर्गी और अंडे वाला स्टोरी आता है। और मुर्गी और अंडे वाला स्टोरी क्या होता है, बातों बातों में आप कहानियों के द्वारा आप आसानी से बीमा बेच सकते हैं। क्या हुआ कि एक लाला जी जा रहे थे मर्सिडीज कार के अंदर, वो ड्राइवर गाड़ी चला रहा था, गाड़ी चलाते चलाते अचानक क्या हुआ, टायर के नीचे एक मुर्गी आ गई। तो ड्राइवर बाहर निकला, बहस होने लग गई, वो जैसा आदमी का किसान का मुर्गी था वो लड़ने लग गया, नहीं नहीं मेरा मुर्गी है, मेरा मुर्गी है, मेरा पैसा दो पैसा दो पैसा दो। उसने कहा कि चलो ठीक है पैसा दे देते हैं, क्या दिक्कत की बात है, जो भी पैसा होएगा छोटा मोटा जो भी पैसा होएगा देके खत्म करो। तो ये सब डिस्कशन होने लगा, तो जो सेठ जी हैं, सेठ जी बाहर आए, उन्होंने कहा ये ले पकड़, पर्स निकाला, तो कहते हैं अच्छा ठीक है पैसे बोल फटाफट पैसे ले, हमारी जान छोड़ हमें जाना है, हमें लेट हो रहा है। तो उसने कहा ठीक है मैं कैलकुलेटर पर जरा कैलकुलेट कर लूं। कैलकुलेट करके उसने बोला मेरी मुर्गी का 5,431 रुपए होता है। क्या बता सकते हो 5,431 रुपए उसने क्यों बोला? आप ऐसा बोलो तो मैं समझ में आ गया, मुर्गी अंडा देगी, मुर्गी अंडा देगी, अंडा फिर मुर्गी बनेगी, फिर वो अंडा देगी, उस तरह से कैलकुलेशन कर लिया अपना, अपनी मेरी लाइफ साइकिल में कितने बार बच्चे देंगे और बच्चे बड़े होंगे और उसका कॉस्ट उसमें जोड़ लिया, सारा का सारा फ्यूचर वैल्यू उसने कैलकुलेट कर लिया, कैलकुलेट कर लिया। हाँ। इसी तरीके से ये जो आदमी है, जो जो उसका घर है, जो उसका गाड़ी है, जो उसका ज्वेलरी है, जो उसका घर के अंदर फर्नीचर है, जो उसका फ्लैट है, जो उसका प्रॉपर्टी है, जो उसका बिजनेस है, जो उसका दुकान है, ये सब बिल्कुल अंडे की तरह है, ये सारे के सारे उस आदमी की वजह से प्रोड्यूस हुए हैं। अब उस आदमी का वैल्यू ज्यादा या तो इन चीजों का वैल्यू ज्यादा, ये बात को यदि हम उसको पावरफुल तरीके से बता पाएंगे तो वो आदमी तुरंत करेगा। Right, ये उसकी संभावना है, ये उसकी पॉसिबिलिटी है। ओके, और कोई साथी अभी फिलहाल कुछ और बोलना चाहेंगे? हमारे पास सिन्हा जी नमस्कार, नरेंद्र पाल नमस्कार, हरिराम जी नमस्कार, जयशंकर चौधरी जी वेलकम, आप यहाँ पर आए बहुत अच्छा लगा। और कोई साथी अपना एक्सपीरियंस कुछ बताना चाहेंगे, क्या रहा, क्या आपकी लाइफ में चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, क्या अच्छा हो रहा है, क्या खराब हो रहा है, कौन आदमी पैसे दे रहा है, कौन आदमी पैसे नहीं दे रहा है, कौन आपकी बात सुन रहा है, कौन आपकी बात नहीं सुन रहा है, इंश्योरेंस बेचना आसान काम है या बेचना मुश्किल काम है, सेल्स क्लोजिंग करना आसान काम है या तो मुश्किल काम है, कुछ भी आप बताना पसंद करेंगे, कुछ भी एनीथिंग। हेलो, अभी जयशंकर चौधरी के घर पे मैं जबरदस्ती। हाँ बताइए नरेंद्र जी। हाँ नमस्कार, आपकी आवाज आ रही है, बताइए। हाँ आवाज आ रही है लेकिन कम आ रही है, बताइए। कम आवाज का रीजन मुझे नहीं पता है लेकिन आपकी आवाज कम है। जाते तो सर
आते हैं, जल्दी आते हैं, बट सर मैक्सिमम जो उसको सर पॉजिटिव रूप में देखना और हमें सर वहाँ से रिजल्ट लेना और बीमा करना, सर मैक्सिमम उसको हमारे पर ही डिपेंड होता है। आपने पूरा कोशिश किया नरेंद्र जी, नरेंद्र जी आपने बोलने का कोशिश किया लेकिन आपकी मुश्किल से 10% बातें पहुंची, हम अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि शायद आपने क्या बोला होगा। बोलो जी, जी बताइए। आवाज तो वैसी ही है, हम अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहे हैं, आपकी 10-12% आवाज आ रही है, हम बाकी का अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप क्या बोल रहे होंगे, ऐसा हम अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहे हैं। हेलो, हाँ बताइए बताइए, हाँ बताइए बताइए। हाँ हाँ बेटर है, बताइए। धर्मेंद्र जी ने सर जो बात कर रहे थे सर, मैं बात सुन रहा था धर्मेंद्र जी की, जी धर्मेंद्र जी का सर जो कहना था सर, वो मार्केट में सर कई बार सर ऐसे क्वेश्चन सर आते हैं, पार्टी सर ऐसी क्वेश्चन सर देती है जो हमें बिजनेस सर वहाँ से उठाने में सर बड़ा प्रॉब्लम सर आती है, लेकिन सर यही सब चीज़ों को देखते हुए मैंने ये देखा कि अगर हमारे अंदर हमें विजन क्लियर है और हमारा अपना सोच क्लियर है बिजनेस को लेकर, हमें जी अपना ये टारगेट या अपना ये अचीवमेंट करना है, तो सर हम किस पार्टी को कन्विंस सर करना सर मैक्सिमम सर हमारे ऊपर ही डिपेंड होता है। सर जैसे सर आपने बताया सर मुर्गी और अंडे वाली बात सर बात बताई, सर फीचर दिखाना ही सर हमारा काम है क्लाइंट को, सर फीचर हम किसी 100 रुपये रोज की बीमा कर रहे हैं या 150 रुपये रोज का बीमा कर रहे हैं, बट सर उसको वहाँ पर दिखाने के वो 100 रुपये 150 रुपये हम उसको कैसे लाखों करोड़ों में अमाउंट उसको मिल रहा है सर, उसको विश्वास दिलाना होता है कि जो मोदी अमाउंट मिलने वाली है सर वहाँ पर उसको लाना होता है। जो सर मेरा समझ पा रहे मेरी बात को सुनना चाह रहा हूँ। हेलो, हाँ हम कोशिश कर रहे हैं, आपकी जो है अभी आवाज जो है लगभग 40% आपकी आवाज आ रही है, तो हम 40% से लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आपने 100% क्या बोला होगा। कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। तो आपकी बात ठीक है कि इस तरह के जो चैलेंजेस हैं, इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं, सभी को आती हैं, ये अकेले सिर्फ धर्मेंद्र जी की प्रॉब्लम नहीं है, ये सभी की प्रॉब्लम है। जब भी हम कोई प्रोडक्ट सेल करने जाते हैं, हम कोई सर्विस सेल करने जाते हैं, सभी के साथ इस तरीके की दिक्कतें आती हैं, और इसको स्ट्रॉन्ग बनाने का तरीका ये है कि हम अपने प्रेजेंटेशन को मजबूत बनाएं, हमारा प्रेजेंटेशन इतना स्ट्रॉन्ग हो, हमारी आवाज के अंदर इतनी अर्जेंसी हो कि उसको लगे कि इंश्योरेंस कराना बहुत ज्यादा जरूरी है, उसको ऐसा लगना चाहिए कि हाँ इंश्योरेंस के बगैर तो गुजारा चल ही नहीं सकता है। जैसे आदमी को तेज प्यास लगती है तो वो कहीं से भी पानी ढूंढता है, वो पानी का बॉटल 10-20 रुपया 50 रुपया 100 रुपया जितने का भी बॉटल होता है वो कहता है नहीं प्यास लगी है अभी तो लेना ही पड़ेगा। तो मनी से क्या होता है, कमिटमेंट हो जाता है, और हम लोगों के पास जाएं या लोग हमके पास आए वो ना सेल्स के रूल उसके अंदर बदलते नहीं है, सेल्स की जो प्रोसेस है उसमें बदलते नहीं है, सेल्स के जो नियम है वो यहाँ पर भी दिल्ली और नोएडा में भी सेम है और दुनिया के किसी भी कोने में सेम है। हम लोग कस्टमर से टोकन मनी मांग, इसको बोलते हैं सेल्स क्लोजिंग अटेम्प्ट। यदि आप एक टॉम हॉपकिंस का किताब है तो ऑफिशियल गाइड टू सक्सेस, मैंने वो वाला किताब खरीदा था 1988, आज से 33 साल पहले मैंने वो किताब खरीदा था। उस वाली किताब के अंदर सेल्स क्लोजिंग टेक्निक लिखा है, उसके अंदर लिखा है टोकन मनी मांगो। अच्छा, टोकन मनी मांगने का मतलब प्रेशर नहीं है, टोकन मनी मांगने का मतलब ये नहीं है कि हम क्लाइंट को जबरदस्ती कर रहे हैं, उसका मतलब ये नहीं है कि हम उसको फ्रीडम नहीं दे रहे हैं, टोकन मनी मांगने का मतलब है कि उसको लेना तो है लेकिन वो एक ऐसा आदमी ढूंढ रहा है जो कि मदद कर सके लेने के लिए, हम उसका फ्रीडम नहीं छीन रहे हैं, टोकन मनी मांग के हम उसका फ्रीडम नहीं छीन रहे हैं और ज्यादा फ्रीडम दे रहे हैं, हम उसका डिसीजन लेने में मदद कर रहे हैं। दुनिया के अंदर कोई भी डिसीजन लेना बहुत भारी काम है, आज सुबह नाश्ते में क्या बनाऊं ऐसा सवाल सुनने को मिलता है आपको? यस यस। आज रात को खाने में क्या बनाऊं ऐसा सुनने को मिलता है? एक्चुअली मेरा टोकन मनी, हाँ राइट, वो मेरी एक माइंड में बात तब आई थी कि मैंने बहुत पहले जब मैंने जब एक कोर्स किया था ना बेसिक कोर्स, तो उन्होंने बताया था उस समय कि जब सेल क्लोज करते हो तो टोकन मनी ले लिया करो। तो आपको याद हो कि एक कस्टमर था हमारा मॉडल टाउन का, भानु प्रताप गौतम, जो आप गए भी थे जिनके घर पे मॉडल टाउन,
यस यस उन्होंने पहली पॉलिसी जब मैंने उनको समझाया था कोमल जीवन, तो टोकन मनी के 3,000 रुपए दिए थे, उनके BOC काट के मैंने उनको दे दिया था। मैंने मतलब प्रेशराइज करके सेल्स क्लोज करने के चक्कर में टोकन मनी और वो 3,000 के चेक बाउंस हो गए थे। नहीं करना है, मतलब मैंने उन्हें रिक्वेस्ट करके जो भी है मैंने टोकन मनी ले तो लिया, लेकिन वो उस बंदे की 3,000 की चेक जिसके घर पे सर आप गए थे, 3,000 रुपए के चेक बाउंस हो गए थे। जानते सर रीजन क्या था? इनसफिशिएंट फंड। दैट मींस उस बंदे ने चेक जो दिया था उस अकाउंट से दिया था जो अकाउंट वो यूज नहीं करता था। दैट मींस उसको शायद अच्छा ना लगा हमारा टोकन मनी मांगना, और वही बंदे नहीं, वही बंदे बाद में मेरे को बुला के जब वो पॉलिसी कराया तो आज के 2-3 लाख प्रीमियम तो दे ही रहा है ईयरली। हाँ वो ठीक है, आपकी बात ठीक है, लेकिन टोकन मनी का मतलब होता है कि आदमी को अभी उसका मन बन गया, अब दोबारा सेकंड विजिट में जाओगे ना आपको सब कुछ दोबारा शुरू करना पड़ेगा, जीरो से शुरू करना पड़ेगा। आप कल को जितना भी कुछ समझा के आए थे ना उसमें से वो 70-80% तो भूल चुका है। मैं एग्री करता हूँ, 100% एग्री करता हूँ। हम जब भी जाते हैं स्टार्ट हमें जीरो से करना पड़ता है, यहाँ तक कि पेमेंट लेके भी जाते हैं, और जब रसीद भी देने जाते हैं ना तो भी कस्टमर एक बार रिकन्फर्म करना चाहता है, फिर से प्लान एक बार समझा दो मेरे को क्या आपने मेरे को दिया था। हाँ तो फिर ये सब झमेला होने की बजाय क्या ये बेटर नहीं है कि हम उससे टोकन मनी मांग ले, टोकन मनी मांग के वो काम सारा का सारा आसान बन जाए। वो पॉइंट सही है, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, सेल क्लोज आसान हो जाता है, लेकिन जहाँ पे कभी कभी ऐसा भी मेरे को फील है, मैं करूँ मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस कहता है, ये मैं नहीं कहता हूँ कि एक गलत है या कोई आइडियोलॉजी गलत है, नहीं सही होगा जो अगर कोई हमें बता रहा है तो सही होगा, मैं नहीं उसे क्वेश्चन कर रहा हूँ, लेकिन पर्सनल मेरी एक्सपीरियंस है कि कस्टमर को कभी भी बांध के नहीं रखने का, वो रिक्वेस्ट करे वो जब तक चेक ना दे हमें हमें चेक नहीं लेना है, फायदा नहीं है उस चेक की, वो कुछ भी हो सकता है, बाउंस हो सकता है, स्टॉप पेमेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है उस चेक का। हमारा काम है डिसीजन मेकिंग में मदद करना। बहुत ही मुश्किल काम है। आपने कभी ये वाला सवाल सुना? आज मैं क्या पहनू, ये वाला सवाल सुना आपने कभी? एक चीज बोलोगे तो दूसरा में क्वेश्चन पे क्वेश्चन जनरेट होता जाएगा। अच्छा एक और बात बताता हूँ आपको, मेरा सीधा आंसर होता है जो अवेलेबल है कर लो। हाँ नहीं वो बात ठीक है, जब लोगों को मैच्योरिटी और मनी बैक मिलता है ना तो उनमें से कुछ लोग नाराज होते हैं। आपको पता है, आपने कभी ये देखा है कि मैच्योरिटी और मनी बैक मिलने के वक्त लोग उस समय नाराज होते हैं? आपने कभी देखा? सारे के सारे नाराज नहीं होते, कोई ना कोई होता है। 50% तो कभी ऐसा गौर किया कि नहीं किया आपने से किसी ने भी? हाँ, अभी जितने भी साथी हैं नहीं, मेरा तो एक्सपीरियंस है नाराज होते हैं, अरे बस इतनी से पैसा मिला, मैं तो इतने पैसे दिए थे, वो लगता रात डबल थोड़ी होने थे। नहीं, ये नाराजगी नहीं बोल रहा हूँ मैं कुछ और नाराजगी बोल रहा हूँ। क्यों नाराज होते हैं? वो आपका पहला सेंटेंस तो ठीक है, वो क्या बोलते हैं, अरे इतना सा मनी बैक मिल रहा है, अरे इतना सा मैच्योरिटी मिल रहा है। भाई साहब आप यदि बड़ी पॉलिसी कर देते हैं तो हमें ये 2 लाख की जगह 6 लाख मिलता, 10 लाख मिलता, 20 लाख मिलता, 15 लाख मिलता, बोलते हैं तो ना ये अफसोस हो रहा है बाद में। वो बोलते हैं भाई साहब आप एजेंट ना सही नहीं हो, ये कभी कभी बोल डालते हैं। भाई साहब आप उस समय आपको तो मेरी फाइनेंशियल पोजिशन पता थी, आपने ढंग से पॉलिसी नहीं किया। उन कस्टमर को हम बोलते हैं कि सर हमें गलती रेक्टिफाई करने का मौका दीजिए, अभी मेरे को अमाउंट बढ़ा के दे दीजिए, अगला बार कम से कम हम आपको डबल लेके देंगे। फिर देखिए फिर बैक मार जाते हैं वहीं पे, फिर तुरंत वो क्या कहेंगे, नहीं नहीं जो दे और काफी है। बात बढ़िया है, मैं तो बोला है अभी अभी लास्ट में ही बोला है जी। बढ़िया, अच्छी बात है, हम लोग और ज्यादा अच्छे तरीके से लोगों की मदद कर पाए तो लोगों को भी अच्छा लगेगा कि हम उनको पॉलिसी खरीदने में बढ़िया तरीके से मदद कर रहे हैं। और ओके अभी हमारे पास यदि आवाज आ रही है तो मेरे को थोड़ा सा हाथ हिला दीजिएगा कि आवाज आपको आ रही है। आपको आवाज आ रही है? आ रही है, ओके ठीक है, थैंक यू।
तो ठीक है, थैंक यू। तो अभी हमारे पास यहाँ पर अवेलेबल हैं हमारे बाकी साथी जो हैं, यदि वो कुछ कहना चाहें। जयशंकर चौधरी जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं 31 दिसंबर को जबरदस्ती जयशंकर चौधरी जी के घर में घुस गया, तो जयशंकर चौधरी जी से मैं दोबारा से माफी मांग लेता हूँ, क्योंकि क्योंकि उनका पॉलिसी सेल होने लगा तो मैं जबरदस्ती उनके घर में घुस गया। हाँ जयशंकर चौधरी जी, अरे सर कोई जबरदस्ती कैसे है, जबरदस्ती आप आए तो जबरदस्ती से इसमें क्या बात है, आपका जबरदस्ती तो आपको लेके बात नहीं। अच्छा, नहीं सर ठीक है, आपका ये अच्छा, आपका ये बड़प्पन है कि आपने ऐसा सोचा, जबरदस्ती आपको लेकर मैं कस्टमर लोगों के पास चला गया, एक आदमी का दरवाजा खटखटाना शुरू कर दिया, एक आदमी को मिलना। अभी भी घूम रहा हूँ सर, घूम रहा हूँ, जाऊंगा अभी भी घूमने के लिए। अच्छा, आप घूमने के लिए जाएंगे, कैसे, क्या समझ नहीं आया मेरे को, कैसे एक बार थोड़ा सा बताएंगे किस तरीके से क्या करने जाएंगे? वो कस्टमर के पास जाऊंगा। अच्छा बढ़िया, तो हमने उस दिन क्या किया कि इनका फोन उठा नहीं रहे थे, तो मतलब चौधरी साहब आप बताना चाहेंगे कि मैं बताऊं? ये 31 दिसंबर वाला जो वाकया था बड़ा ही इंटरेस्टिंग वाकया था, पता नहीं आपको तो कैसा लगा, आपको लगा कैसा वो जो 31 दिसंबर को हमने जबरदस्ती आपको सर्दी के मौसम में, जब आपका कंपकपी छुटा डाला है ना, हमने आपको, आप सर्दी में वो कांप रहे थे रात के समय, उस समय तो हमने आपका कंपकपी छुटा डाला, तो मतलब हमने हमने आपको धमकी दे डाला कि नहीं आज रात को क्या कुछ भी हो जाए पॉलिसी बिकवा के ही छोड़ेंगे, तो आप बताना चाहेंगे उस रात के बारे में? सर मुझे तो आज कोई बुरा नहीं लगा, अच्छा लगा, अक्सर जो है इतना हो जाए ना। सो मकसद क्या था जबरदस्ती, बाकी साथी जो हैं जो कोई जिनको इसके बारे में जानकारी नहीं है, सवाल जानकारी का नहीं है, सवाल ये है कि इस तरीके से पॉलिसी बेचने का हमने कोशिश किया, मैं जबरदस्ती इनके घर में इस वजह से चला गया क्योंकि कई दिनों से विनीता भी कॉल कर रही थी और मैं भी कॉल कर रहा था तो फोन उठ नहीं रहा था, तो मैं बाई चांस फोन उठा तो हमें पता लगा ये रहते हैं यहाँ पर गणेश नगर में, तो मैं गया जबरदस्ती वहाँ पे, तो हमने इनको क्या बोला कि जबरदस्ती लेके इनको हमने कहा नहीं नहीं अभी क्या करना है, पॉलिसी बेचने का सबसे ज्यादा आसान तरीका यही है, सभी पड़ोसियों की घंटियां बजा डालो, सभी अड़ोस पड़ोस के जितने दुकानदार हैं सभी को मिल डालो और मिलकर जाकर उनको इंश्योरेंस के बारे में बताओ। तो हम लोगों ने मेरे ख्याल से 55 मिनट में 55 मिनट में 9 लोगों को हम मिले थे, और 9 लोगों में से सबसे पहला जो आदमी है, चौथे मंजिल पर चौधरी साहब रहते हैं तो थर्ड फ्लोर वाले को मिले, उसका उस समय बीमे का मन नहीं बना, सेकंड फ्लोर वाली जो थी अंजू कुमारी, तो उसने तुरंत बोला कि अभी आप 2-3 महीने पहले ही हमने पॉलिसी लिया है, 5,000 रुपए हर महीने का पर मंथ का पॉलिसी लिया है, तो और भी हुआ हमारा जो हम और भी लोगों को मिले, तो एक आदमी तैयार भी हो गया था, सुप्रीम कोर्ट में नौकरी करता है, मैं 3,000 महीने का पॉलिसी कराने को तैयार हूँ, तो ये फायदा रहा। बाकी चौधरी साहब इस बारे में कुछ बोलना चाहें तो जरूर बोलें, लेकिन बीमा बेचने का इससे ज्यादा शानदार कोई तरीका आज तक बना ही नहीं है, ये जो हम रेफरेंस लेके जाते हैं अच्छी बात है, उससे आसान रहता है, लेकिन कितने रेफरेंस लोगे, रेफरेंस लेने की तो लिमिट है ना, रेफरेंस एक आदमी का लोगे, 2 का लोगे, 3 का लोगे, 4 का लोगे, अच्छा कोई डाटाबेस के थ्रू जाओगे, लेकिन कोल्ड कैनवासिंग का फायदा क्या रहता है? मैंने तो कोल्ड कैनवासिंग कई बारी करके देखा है, आपने से बहुत सारे साथियों ने करके देखा है, तो कोल्ड कैनवासिंग का फायदा क्या रहता है? एक तो अड़ोसी पड़ोसियों से हमारी जान पहचान हो जाती है, दूसरी बात एक ये तकलीफ नहीं आती कि वो जैसे वो सेकंड फ्लोर वाली अंजू कुमारी बोल रही थी अभी मैंने 2 महीने पहले लिया है 5,000 रुपये महीने का, तो खैर एक ये तकलीफ नहीं आती। एक फायदा ये होता है कि आसपास के ना सभी लोग हमको जान जाते हैं, जान पहचान हो जाती है, उनको पता लगता है इतने नंबर मकान के अंदर जयशंकर चौधरी जी रहते हैं। तो मेरा सुझाव ये है, अब जैसे बीच में नरेंद्र जी ने भी एक बार अपने अड़ोसी पड़ोसी जितने भी हैं उन सब लोगों का सेमिनार कर डाला कि चलो सब लोगों को बुला डाला, एक दुकानदार को बोला भाई थोड़ा जगह मेरे को दे डालो, थोड़ा कुर्सियां लगवा डालो यहाँ पर, तो मेरे को बोला कि सर आप इनको स्पीच दे डालिए जिससे कि पॉलिसी के लिए ये सब लोग तैयार हो जाए, तो खैर मैंने अपनी तरफ से कोशिश किया, तो मुझे लगता है शायद उसके अंदर पॉलिसी भी बिका था नरेंद्र जी, उसके अंदर कुछ पॉलिसी भी नरेंद्र जी का बिका था, और शायद नरेंद्र जी को अच्छा भी लगा था कि उसकी वजह से कुछ पॉलिसी भी था। तो इस तरह के काम जो हैं, हमारा काम क्या है, हमारा काम जैसे नौकरी होता है, नौकरी में या बिजनेस में या दुकानदारी में, आप नौकरी वाले आदमी को देखेंगे या तो आप में से कुछ लोगों ने नौकरी किया हुआ है या तो कर रहे हैं, तो नौकरी वाले लोग क्या करते हैं, रोज का 8 घंटा मेहनत करते हैं, तो यदि हम एजेंसी के अंदर भी 8 घंटा लोगों को, नए लोगों को मिलने का समय निकालें तो ऑटोमेटिकली पॉलिसी बिकता है। करना क्या है, नए लोगों को मिलना है एंड पुरानों का फॉलोअप करना है,
तो यदि सिर्फ हम मतलब अब जैसे दुकानदार को आप देखेंगे सुबह 8 बजे 9 बजे दुकान खोलता है, 7 बजे खोलता है, 6 बजे खोलता है, रात को 9 बजे तक, 10 बजे तक, 11 बजे तक, बेचारा उसका 11-12 घंटे का, 13 घंटे का ड्यूटी करता है। इवन बस थोड़ा सा तकलीफ क्या है कि यहाँ पर ना हमारे पास, हम ये गारंटी नहीं ले सकते हैं कि यहाँ पर वो पॉलिसी लेगा कि नहीं लेगा, बस ये थोड़ा सा हम गारंटी नहीं कर सकते हैं। लेकिन आप ये मान के चलिए कि कभी ना कभी तो लेगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कभी ना कभी लेगा। सो बहुत ही अच्छा डिस्कशन रहा आपके साथ, बात करके बहुत ही अच्छा लगा। हमारा समय भी हो चुका है, 10 बजे तक का हमारा टाइम था, 10:01 हो चुके हैं, तो हमें अभी क्लोज करना पड़ेगा। आपका एक्सपीरियंस आज का ये प्रोग्राम में, आप सब आए तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? अच्छा रहा, बहुत अच्छा सर। ठीक है, बढ़िया। थोड़ा सा हमारे जो बाकी जो एजेंडा है वो हमने आज कवर नहीं किए हैं, कोई बात नहीं, लेकिन आप उसको कवर समझिए क्योंकि वो अशोक ट्रॉफी है कल, 3 पॉइंट्स पे उसको नहीं, वो कोई बात नहीं, वो आप देख लीजिए उसको। सवाल ये है कि हम लोग मिले आपस में, कुछ ना कुछ सीखने, सच जानने समझने का कोशिश करें। तो ऑनरिंग भाई SDM है 6 पॉलिसी पर, कल जो है 1100 पॉलिसी का आपका टारगेट है, आपका स्थापना दिवस ब्रांच का है, रिवाइवल कैंपेन आ चुका है, उसका फायदा आप ले लीजिए। और आप यहाँ पर आए, बहुत ही अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। कल ब्रांच आना क्या सर? आप भी अच्छा लगा, क्या चीज? हाँ, सो उम्मीद है मुझे कि आपको भी शायद पसंद आया होगा, आप यहाँ पर आए तो आप आते रहिए, कल सुबह भी यदि आप चाहेंगे तो हम दोबारा से एक बार मिल लेंगे। सो विश यू ऑल द बेस्ट। कल का जो प्रोग्राम है 1100 पॉलिसी स्थापना दिवस वाला है, तो उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा पॉलिसी करके आप उसके अंदर शामिल हुई, तो विश यू ऑल द बेस्ट, गुड डे, हैप्पी संडे, एंड डू बिग, बढ़िया 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 से बढ़िया काम। चलो ठीक है, बढ़िया, गुड डे सर, प्रोग्रेस करिए, अच्छा तरक्की करिए। ओके जी, बाय, हैप्पी संडे, बाय।